नमस्कार, जैसे कि बिजनेस से आपका स्वागत है। मैं वर्ती पशुओं में सबसे ज्यादा समझदार और वफादार कुत्ते को माना जाता है, लेकिन क्या कभी आपने ऐसा सुना है कि एक पुलिस अधीक्षक द्वारा दी गई हो कुत्ते को सजा? आप कहेंगे नहीं, लेकिन यह सच है। उत्तर प्रदेश के सजापुर जिले में ऐसा ही हुआ है। एक पुलिस अधीक्षक द्वारा दी गई है कुत्ते को सजा। आइए देखते हैं। डॉग स्क्वाड के जैक को SP ने दी सलामी। पशुओं में कुत्ते को सबसे अधिक समझदार और वफादार समझा जाता है, किंतु ऐसा भी हो सकता है कि एक IPS ऑफिसर किसी कुत्ते की मौत होने पर उसको सैल्यूट कर सलामी दे। जी हाँ, ऐसा भी होता है। जब कोई वफादार समझदार जाबाज साथी साथ छोड़कर हमेशा के लिए चला जाता है, फिर क्यों ना वह बेजुबान पशु हो। ऐसा ही एक मामला उत्तर प्रदेश के सजापुर में सामने आया। पुलिस डॉग स्क्वाड के सदस्य जैक का सोमवार को बीमारी के कारण आकस्मिक निधन हो गया। शाहजहांपुर में पुलिस अधीक्षक S आनंद सहित अन्य अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा पुलिस लाइन शाहजहांपुर स्थित शहीद स्तंभ पर शोक सलामी दी गई। जैक पुलिस डॉग स्क्वाड का बहुत ही तेज तर्रार, अनुशासित, कर्तव्य परायण एवं बड़ी से बड़ी घटनाओं का खुलासा करने में सक्षम था। पुलिस अधीक्षक ने बताया है कि जैक पुलिस के साथ अपने कार्य में पूर्ण रूप से निपुण था। उन्होंने बताया डॉग स्क्वाड के सदस्य जैक की जन्मतिथि 13 जनवरी 2016 थी, जो नेशनल ट्रेनिंग सेंटर फॉर डॉग्स के BSF ट्रेनिंग सेंटर टेकनपुर ग्वालियर मध्य प्रदेश में ट्रेनिंग कर 16 सितंबर 2017 को पूर्व प्रशिक्षण प्राप्त कर जनपद फैजाबाद में ड्यूटी करने के उपरांत 16 जुलाई 2018 को ट्रांसफ़र होने पर जनपद शाहजहांपुर में पोस्टिंग हुई थी। पुलिस अधीक्षक S आनंद ने कहा कि शाहजहांपुर पुलिस को जैक के निधन से बहुत बड़ी क्षति हुई। इस दुखद समय पर जनपद के पुलिस अधीक्षक सहित समस्त अधिकारियों द्वारा शोक संवेदना व्यक्त कर जैक को भावभीनी श्रद्धांजलि देते हुए विदाई दी। रिसेंटली न्यूज़ ब्यूरो रिपोर्ट। डॉग स्क्वाड की किस तरीके से मौत हुई है और किस तरीके से शोक संवेदना आज व्यक्त करते हुए उसकी अंतिम सलामी दी? हमारे यहाँ डॉग स्क्वाड का मेंबर है, जैक नाम है इसका। इसको अचानक कुछ बीमारी डेवलप हुई पिछले एक महीने से और इसका इलाज चल रहा है। कल इसकी असामयिक मृत्यु हो गई, जो सुबेदार रैंक का माना जाता है हमारे स्क्वाड के साथ। और आज इसकी शोक परिणति से हमारे यहाँ निर्माण साथ होती है, इसके तहत तकलीफ करते हैं, वो आज संपन्न हुई और इसके बाद इसको देखभाल किया जाए। कितना अपराध पर इसने काम किया और किस तरह से खोजबीन करता था अपराधी? ये बहुत अच्छा ट्रैकर था। ये जैसे बहुत सारे घटनाओं के खुलासे में इसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान था, खासतौर से जो नकबजुर्म घटनाएँ या ब्लाइंड मर्डर्स थे उसमें भी इसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही। कई मौकों पर इसको पत्थर दिया जाता था और इससे जो भी क्लूज मिलते थे वो बड़े सपोर्टिव रहते थे एविडेंस के तौर पे और क्लूज के तौर पे भी विवेचनाओं में, तो इसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा। लेकिन बहुत समय इसके वक्त हुई, इसके लिए हम सबको बड़ा दुख है और इसको हम नोटिस करेंगे। Thank you.